बीएसपी के टाउनशिप स्थित सेक्टर 4 में मंगलवार की सुबह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां हजारों गैलन पानी से भरी दो टंकियां अचानक ध्वस्त हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मेंटेनेंस ऑफिस के कुछ हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। इन टंकियों से सेक्टर 4 सेक्टर 3 स्थित आवासों को जलापूर्ति की जाती है। पानी टंकी गिरने की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक और मेयर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। टाउनशिप क्षेत्र में मंगलवार की सुबह भिलाई इस्पात संयंत्र की दो पानी टंकियां भरभराकर गिर पड़ी। दरअसल एक पानी टंकी के गिरने के पूर्व टंकी से जल रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से वहां टंकी के नीचे खड़े लोगों में दहशत फैल गई और वह मौके से भाग खड़े हुए। इसके कुछ क्षणों उपरांत ही एक पानी टंकी गिरी, जिसका मलबा दूसरी पानी टंकी पर गिर पड़ा और दोनों ही पानी टंकियाँ भरभराकर नीचे गिर पड़ीं। पानी टंकियों के गिरते ही टंकियों में भरा पानी आसपास के क्षेत्र में फैल गया। इन टंकियों के जरिए सेक्टर 4 सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की जाती थी। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई। भिलाई इस्पात संयंत्र का फायर अमला और पुलिस विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। इस घटना की जानकारी लगते ही भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से चर्चा की। विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल काफी वक्त तक घटना स्थल पर मौजूद रहे और आसपास के लोगों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध कराई। तत्पश्चात विधायक और महापौर ने बीएसपी के अधिकारियों के साथ बैठक की और टाउनशिप क्षेत्र के अन्य स्थानों में बनी पानी टंकियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही पानी टंकियों के रख रखाव और संधारण को लेकर बीएसपी के अधिकारियों से चर्चा की। घटना के काफी देर तक मौके पर लोगों की भीड़ जमी रही। लोग इस घटना के पीछे बीएसपी प्रबंधन की उदासीनता को ही कारण मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी टंकियों को बनाए वर्षों बीत चुके हैं, कुछ पानी टंकियों में रिसाव भी लगातार होता है। बावजूद पानी टंकियों के संधारण और रख रखाव को लेकर बीएसपी प्रबंधन उदासीन बना हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह की दुर्घटना सामने आई। पूरी घटना को लेकर विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोगों को भी सुबह 6 बजे की ये घटना की जानकारी मिली और इसके बाद हम लोग सब लोग यहाँ पर पहुँचे। ईश्वर की कृपा से किसी कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, बीएसपी प्रबंधन को लगातार इन सभी चीज़ों की शिकायतें हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये घटना हमारे लिए एक सबक है, बीएसपी प्रबंधन के लिए एक सबक है कि कैसे आने वाले समय में पूरे टाउनशिप एरिया की जो जर्जर बिल्डिंग्स हैं या जो भी डैमेज, भले वो सीवरेज लाइन हो, वाटर लाइन है, ये सब पे एक गंभीर रूप से एक्शन की ज़रूरत है। मैंने देखा है पिछले समय में PSUs को जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसके बाद उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इंटरेस्ट पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। आज के लिए हमारे लिए तो सबसे त्वरित चैलेंज ये है कि हमें हमारे लोगों को पानी पहुंचाना है। हम लोगों का पूरा फोकस ये है कि सेक्टर 4 सेक्टर 3 के जो परिवार के लोग हैं हमारे, उन तक पानी कैसे त्वरित रूप से पहुँच जाए। एक अस्थायी व्यवस्था आज दोपहर तक हम बना लें और इसके बाद हम आने वाले दिनों में स्थाई भी व्यवस्था बना के दें, क्योंकि ये जो टंकी गिरी है, अब यहाँ से मुझे लगता है कि दो सेक्टर्स को लोगों को पानी जाता था, टंकी तुरंत बन नहीं सकती। एक पैरेलल स्थाई व्यवस्था हमको ज़रूरत है ताकि लोग सामान्य जीवन जी पाएँ। तो चैलेंजिंग है, हम निगम प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह मौजूद है और पूरी ताकत से हम लोग काम कर रहे हैं। हम बीएसपी प्रबंधन से भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लोगों के लिए खड़े होकर लोगों को सुविधा प्रदान कर पाएं। देखिए, हमने तो पहले भी बीएसपी को ये सभी चीज़ों के लिए लगातार सचेत किया है, लेकिन अभी एक कॉमन डिस्कशन के बाद रोड मैप बनाया जाएगा और इसके बाद आप देखिए, बहुत सारे व्यूज़ आए हैं सुबह से बात करते हुए, लेकिन इसको ऑन टेबल विद डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स डिस्कशन करने के बाद हम इसको जारी करेंगे कि किस तरफ बढ़ रहे हैं। बीएसपी के अभी उच्च अधिकारी यहाँ पहुँचे नहीं हैं, वो सब लोग आ जाएं, उसके बाद हम लोग सब चीज़ें फाइनलाइज करेंगे। देखिए, जिम्मेदारी तो अब ये तय होगी बाद में कि क्यों गिरी, कैसे गिरी, लेकिन एक बात निश्चित है कि पहले सबसे प्राथमिकता तो ये है कि सबको पानी मिल सके। जिन सेक्टर 4 के पूरे घरों में आज प्रभावित पानी पूर्ति जो होती है वो प्रभावित होगी, पहली प्राथमिकता तो पानी की है।
पहले पानी पहुंचे, उसके बाद है की बात है कि जिम्मेदारी किसकी है ये तो बीएसपी प्रशासन तय करेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि बीएसपी अगर टाउनशिप में अगर ध्यान नहीं देगा तो ये तो एक आज भगवान का बहुत शुक्र है कि कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो उसके लिए बीएसपी को जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगें, बहुत सारे भवन ऐसे हैं जो अब जर्जर हो चुके हैं। इन सब चीज़ों का निर्माण आज से 55 साल पहले हुआ था और मेंटेनेंस नहीं होने के कारण, लगातार लापरवाही भी जो रही है टाउनशिप को लेकर, उसके कारण ऐसी आज ये घटना हुई है। भगवान करे आगे ना हो, इसके लिए भी इसमें पानी टंकियों के गिरने से किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन वर्तमान में कुछ स्थानों पर पानी टंकियों के नीचे थानों सहित अन्य कार्यों का संचालन किया जाता है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने बीएसपी प्रबंधन को ठोस पहल किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।